वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कानूनी उमूर पर अहम इजलास आज शाम तलब कर लिया है। अहम बैठक में पेंडोरा पेपर्स के हवाले से तहकीकात से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2021 मंजूर कर लिया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने वाजह कर दिया है कि स्टेट बैंक पर हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रोल बरकरार रहेगा, मरकजी बैंक मादर पिदर आजाद नहीं होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान के तकर्रुर की मंजूरी का इख्तियार भी हुकूमत के पास होगा। अपोजिशन जमातें इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहरिक, नून लीग और JUI के दरमियान राबते तेज, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात आइंदा चंद रोज में इस्लामाबाद में होगी। जराय का कहना है कि मुलाकात में इन हाउस तब्दीली के लिए नंबर ऑफ गेम्स पर बात होगी। शहबाज शरीफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई के इंतकाल के बाद सेनेट इजलास बगैर कार्रवाई के मुलतवी, ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल की जाए। ऐवान ने वसीम शहजाद की तहरीक कसरत राय से मंजूर कर ली। इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। हुकूमत पंजाब ने सानिहा मरी की तहकीकात के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की क्यादत में कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं कि कमेटी 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। कहा कमेटी की रिपोर्ट को सबके सामने रखा जाएगा, जिम्मेदारों का तयन जरूर होगा। मरी में बर्फानी तूफान के 3 रोज बाद भी मामूलात जिंदगी मुकम्मल बहाल ना हो सके। सयाह अपनी खराब और बर्फ में फंसी गाड़ियां छोड़कर चले गए। मरी और गिलियाद जाने पर आयद पाबंदी में आज शाम तक तौसी कर दी गई है। सानिहा मरी की तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पंजाब हुकूमत, मरी और इस्लामाबाद इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरी के होटल्स में ओवरचार्जिंग की शिकायत पर सख्त बरहम। ज्यादा किराया वसूल करने वाले होटल मालकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा ओवरचार्जिंग करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए, सयाहों को लूटने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मलकाए को हसार के अतराफ वादियां बर्फ के गालों से ढक गईं। बर्फबारी से ब्लॉक सड़कों की बहाली का काम जारी है। मरी में सयाहों का दाखिला भी बंद, सिर्फ मकामी अफराद को जाने की इजाजत है। गलियात में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार, अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस्लामाबाद के शहरी कहते हैं कि हुकूमत मिनी बजट के जरिए आवाम पर मजीद बोझ डालने की बजाय रिलीफ फराहम करे। लाहौर में नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का मेला सच गया। चैंपियनशिप में 15 टीमें शिरकत कर रही हैं। पंजाब स्टेडियम लाहौर में नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के मुकाबले 7 दिन तक जारी रहेंगे। मुकाबले में मुल्क भर से हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी जोर आजमाई करेंगे। और अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में बम धमाका, 5 तालिब इल्म जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। धमाका जिला लालपुरा में एक स्कूल के करीब हुआ। बारूदी मवाद रेड़ी में नस्ब किया गया था। मुतअद्दिद तलबा की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा।